सब तो सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ नीलेश, नीलेश प्रजापति, और आज अपन बात करने वाले हैं विंड भी ट्रैफिक क्रिटिक सिग्नल के बारे में। सिग्नल के अपन फुल डिटेल देने वाले हैं और इसके मीटर के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं, मीटर की फुल डिटेल देने वाले हैं, और जैसे कि ऑटो मीटर, ट्रेन मीटर, टाइम वगैरह, घड़ी कैसे सेट होगी, इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। और इसमें अपनी हेल्प करेंगे निखिल भाई, निखिल भाई इसकी पूरी जानकारी देंगे, पूरी डिटेल देंगे, कैसे मीटर सेट होता है, कैसे इसका टाइम सेट होता है, कैसे आप सेट कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी देते हैं। और उसके बाद में इसकी आई बटन कैसे काम करती है, इसका इग्निशन कैसे काम करता है, इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो बने रहिए, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है निखिल भाई, निखिल भाई अपन को पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो निखिल भाई, हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रैफिक की नेक्स्ट जनरेशन के मीटर के बारे में, कि इसका मीटर कैसे वर्क करता है, कैसे इसका टाइम सेट होता है, इसकी आई बटन कैसे काम करती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं इसके मीटर को। तो आप देख सकते हैं यह है एनीलॉग स्पीडोमीटर और यह है डिजिटल मीटर। एमआईडी स्क्रीन देख सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं, इसमें कैसे फीचर्स हैं और इग्निशन के बारे में बताने वाले हैं, और ये आई बटन होती है, आई बटन कैसे वर्क करती है, और मोबाइल यूएसबी पोर्ट के बारे में पूरी जानकारी देंगे। निखिल भाई बताइए फिर। तो दोस्तों देखिए, ये है इसका स्पीडोमीटर, इसमें आपको चार इंडिकेशन मिल जाते हैं। ये आपका फ्यूल इंडिकेशन मिल जाता है, देन उसके बाद ये आपको इंजन का इंडिकेशन मिल जाता है, इसको हम MIL लाइट बोलते हैं। फिर उसके बाद आपको ABS का लाइट मिल जाता है, और उसके बाद आपको बैटरी का लाइट मिल जाता है, और इसके ऊपर आपको न्यूट्रल का इंडिकेशन मिल जाता है। आप देख सकते हैं ये है डिजिटल मीटर MID स्क्रीन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर फ्यूल का साइन मिल जाता है, ये जो ब्लिंग हो रहा है ये फ्यूल का इंडिकेशन है कि आपकी गाड़ी में कितना फ्यूल है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर ऑडोमीटर मिल जाता है, ये आपका ऑडोमीटर है, आपकी टोटल गाड़ी कितनी चल चुकी है ये यहाँ पर ऑडोमीटर में देखेगा। फिर उसके बाद आपको एक ट्रिप बन मिल जाता है, ट्रिप बन में आप गाड़ी चला सकते हैं, ट्रिप टू में गाड़ी चला सकते हैं, और आपको ट्रिप एफ मिल जाता है। ट्रिप एफ का मतलब होता है कि गाड़ी जब हमारी गाड़ी रिजर्व में लगती है ना, उसके बाद हमारी गाड़ी कितनी चलती है ट्रिप एफ में, ये हमको ट्रिप ऐप में पता चल जाता है। ये आपको किलोमीटर मिल जाता है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ लिखा हुआ है किलोमीटर, तो हमारी गाड़ी कितनी चल चुकी है ये हमें यहाँ नीचे देखने को मिल जाता है। 1.0 किलोमीटर मतलब ये टेस्टिंग की है। हाँ, ये टेस्टिंग की है। अच्छा, तो अभी ये गाड़ी चली हुई है 1.0 किलोमीटर और ट्रिप ऐप में बिल्कुल भी नहीं चली हुई है। अब ये यहाँ पर हमको टाइम देखने को मिल जाता है, टाइम अभी इसमें टाइम हो रहा है 7:55 AM अभी। और अपने मोबाइल में क्या आ रहा है, मोबाइल का टाइमिंग देखते हैं, मोबाइल की टाइमिंग आ रही है 6:40, एग्जैक्ट टाइमिंग है 6:40। तो इसको टाइम को सेट कैसे करते हैं ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए हम देखते हैं इसको टाइम को कैसे सेट करते हैं। तो निखिल भाई, कैसे टाइम सेट होता है, टाइम को सेट करने के लिए किस चीज़ से टाइम सेट करते हैं? हाँ, टाइम को सेट करने के लिए हमारे यहाँ लेफ्ट साइड में, अच्छा यहाँ पर ये आई बटन दी गई है। हाँ हाँ, देख रही है आप? हाँ, आप ये आई बटन देख सकते हैं, आपको आई बटन दी गई है। आप देखिए, इसको प्रेस करने से ही ट्रिप अच्छा कंट्रोल होता है। अच्छा, ट्रिप इसी से कंट्रोल होता है। इसको हम प्रेस करेंगे, ये मैंने बटन दबाई तो ये ऑडोमीटर आ गया, फिर से बटन दबाई तो ये ट्रिप वन आ गया, फिर से बटन दबाई तो फिर ट्रिप टू आ गया, फिर से दबाने पर ट्रिप एफ आ गया, फिर उसके बाद हमारा टाइम आ गया। तो अगर हमको टाइम इसमें सेट करना है तो बटन को हमको प्रेस करके रखना है। अच्छा, थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो ये ब्लिंग होने लगा। अच्छा, अब बटन को छोड़ देना है, छोड़ने के बाद इसको हम एक बार दबाएंगे तो ये 7 की जगह 8 हो गया है, आप देख रहे हैं, फिर 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, फिर एक हो गया, अभी बज रहा है 6:41 हो रहा है। तो हमको यहाँ पर 6 करना है, 6 करना है, मतलब 6 करना है, 6 करना है, तो ये हमने कर दिया 6। फिर उसको बटन को प्रेस करके फिर से रखना है, दबा कर रखना है, उसको दबा कर रखेंगे तो ये हमारा सेकंड बिलिंग होने लगा। हाँ, सेकंड बिलिंग होने लगा, बिलिंग होने लगा। तो अभी अपन अब इसको फिर हमको क्या करना है, बटन को दबाना है बार बार। तो अभी टाइम आ रहा है 6:42,
तो ये 59 हो गया है, 59 के बाद ये 600 हो गया। अब इसको हम बार बार दबाते जाएंगे, पुश करते रहेंगे, पुश करते रहेंगे जब तक 42 ना आ जाए। तो ये हमारा 42, तो दबाते रहिए, मैं बताता हूँ आपको। ये हमारा 42 आ गया, देखिए 42 आ गया, ये हमारा 42 आ गया। अभी शाम का समय है तो मतलब पीएम होना चाहिए, यहाँ पर एएम दिख रहा है आपको, यहाँ पर पीएम होना चाहिए। तो फिर इसको प्रेस करके फिर से रखना है, दबा कर रखना है इसको, ऐसे प्रेस करके रखना है जैसे दबा कर रखेंगे तो अब ये ब्लिंग होने लगा एएम पीएम। इसको एक बार, हाँ एक बार आप दबाएंगे तो यहाँ पर एएम पीएम की जगह पीएम आ गया। अब इसको आप देख सकते हैं टाइमिंग 6:42 मतलब अपना सेट हो गया है। अब इसको बंद करने के लिए हमको फिर से इसको दबा कर रखना है बटन को, ये हमारा टाइम सेट हो चुका है। तो निखिल भाई, इसकी जानकारी तो घड़ी सेट करने की आपने बहुत ही बढ़िया दी है, अपने सब्सक्राइबर को बहुत अच्छी जानकारी मिल गई है। पर आप यूएसबी के बताइए, यूएसबी में मोबाइल चार्ज कब होता है, किस कंडीशन में चार्ज होता है? कभी एक बार मैंने ऐसे ही लगा के देख लिया, उसमें चार्ज नहीं हो रहा था। तो गाड़ी में कब चार्ज होता है, गाड़ी चालू होने पर होता है क्या, बंद होने पर होता है? तो इसकी जानकारी दीजिए ज़रा मुझे। यूएसबी मोबाइल चार्ज करने के लिए हमारे हमको एक ये इस प्रकार की डाटा केबल की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, जो मोबाइल चार्जिंग की वो रहती है, साथ नॉर्मली आती है चार्जिंग केबल, तो इस केबल की जरूरत पड़ेगी। इस केबल को हमें यहाँ पर कनेक्ट करना है। अच्छा, जो पोर्ट दिया हुआ है उसमें इस केबल को हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अच्छा, देखिए मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ। ये आपकी पिन कनेक्ट हो गई है। अच्छा, ये कनेक्ट हो चुकी है ना, ये कनेक्ट हो चुकी है। और अब मैं आपको मोबाइल लगा के दिखाता हूँ। हाँ, मैंने मोबाइल लगाया एक दिन तो मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा था मेरा, ये मैंने मोबाइल लगा दिया तो अभी मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है। 60% कुछ दिख नहीं रहा है। चार्ज तब होगा जब गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करेंगे, अच्छा स्टार्ट करिए ना जरा। ये हमने गाड़ी को स्टार्ट किया, अब देखिए। अच्छा रुकिए रुकिए, ये 60% से बताने लगा चार्जिंग। जैसे मैं इसको किल स्विच को ऑफ कर देता हूँ तो, और तो आप ऑफ कर देंगे तो मोबाइल चार्जिंग बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी, चलो जैसे मैं बंद करता हूँ अभी, ये बंद हो गया। जैसे चालू करता हूँ तो ये चार्जिंग बताने लगा है, तो आप देख सकते हैं। तो जैसे ये गाड़ी चालू होती है और अपना चार्जिंग चालू हो जाती है, आप देख सकते हैं ये चालू हो गई है। जैसे बंद करिए ज़रा, गाड़ी को बंद करिए, तो आप देख सकते हैं ये चार्जिंग बंद हो गया है। तो गाड़ी जब तक चालू रहेगी तब तक मतलब चार्ज होएगा मोबाइल। जैसे अपन लंबे टूर पे जा रहे हैं तो अपना मोबाइल चार्ज पे फंसा दो, गाड़ी चलती रहेगी और चार्ज हो जाएगा। जब तक गाड़ी चलती रहेगी तब तक मोबाइल चार्ज होगा। हाँ, गाड़ी बंद हो जाएगी तो मोबाइल चार्ज बंद हो जाएगी। काफ़ी बढ़िया है ये तो। बोल, ये इसलिए है क्योंकि जब गाड़ी का इंजन बंद रहता है तो हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती है। अच्छा, बैटरी से मोबाइल चार्ज होगा, बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो सेल्फ नहीं लेगी गाड़ी। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। तो निखिल भाई बहुत ही बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी जानकारी दी है। काफ़ी सब्सक्राइबर जो डाउट में थे कि ये चार्ज क्यों नहीं होता है, तो ये काफ़ी जानकारी है जिससे अपना टाइमिंग सेट नहीं होती थी। तो काफ़ी सब्सक्राइबर अब खुद से टाइमिंग सेट कर लेंगे, नहीं तो उनको वर्कशॉप जाना पड़ता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो निखिल भाई कुछ अपने सब्सक्राइबर के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको नेक्स्ट कोई भी गाड़ी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हमसे जो मदद बनेगी हम करेंगे। और थैंक यू। तो निखिल भाई ने बोल दिया यार, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दो और वीडियो को लाइक कर दो।